हाँ जी गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम बात करेंगे कि यूरिक एसिड जो पेशेंट होते हैं या जिनका लेवल्स यूरिक एसिड का ज़्यादा होता है, तो उनमें एक मिथ होता है कि क्या उनको प्रोटीन रिच डाइट या प्रोटीन सप्लीमेंट या प्रोटीन वाली फूड आइटम्स अवॉइड करनी चाहिए या खानी चाहिए। बिकॉज बहुत सारे लोगों के साथ जब भी उनके ब्लड रिपोर्ट में जब वो टेस्ट कराते हैं या कोई भी अपने लेवल्स हाई देखते हैं और सिम्टम्स आते हैं उनको, जैसे कि उनके गाउट में या जॉइंट्स में पेन होना, स्वेलिंग होना, तो उस टाइम पे उनको एक डर सा बैठ जाता है कि यार अब तो हमारी किडनी ख़राब होगी। तो किडनी, जैसी किडनी के बारे में सोचते हैं तो सबसे पहले वे प्रोटीन और ये प्रोटीन वाली चीज़ें बंद करने के बारे में इंसान सोचता है। तो गाइस, आज उन सब चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे कि सेफ डोज क्या है और हम किस तरीके से अपने यूरिक एसिड को कम कर सकते हैं और कैसे हम सेफली प्रोटीन भी ले सकते हैं और अपनी बॉडी भी बिल्ड कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। हाँ जी गाइस, तो यूरिक एसिड एक नेचुरल प्रोसेस है हमारी बॉडी का। जब हमारे सेल्स के अंदर ब्रेक डाउन होता है या जब हम प्योर फूड खाते हैं, प्रोटीन रिच और प्यूरिन रिच, तो हमारी बॉडी जब उसको ब्रेक डाउन करती है तो उस टाइम हमारी बॉडी का यूरिक एसिड लेवल जो है एलिवेट हो जाता है। ये एक नेचुरल प्रोसेस है, लेवल्स बढ़ना फिर डाउन आना। बट प्रॉब्लम तब आती है जब एक हद से ज़्यादा लेवल आपके बढ़ जाएं और आपकी किडनी प्रॉपर फिल्ट्रेशन ना कर पाए और कांस्टेंट लेवल पे आपके यूरिक एसिड बढ़ा रहे और ज़्यादा लंबे टाइम तक अगर एलिवेट रहेगा आपके लेवल में, बॉडी में किसी भी तरह का अगर लेवल है वो ज़्यादा लंबे टाइम तक एलिवेट रहेगा तो उसकी प्रॉब्लम ही होती है। तो गैस, हमें इस चीज़ को मैनेज कैसे करना है वो आज हम चीज़ें सारी समझेंगे। और यूरिक एसिड एक नेचुरल प्रोसेस है, पहले तो हमें ये समझना है। और होता क्या है, देखो हम कोई भी फूड खाते हैं, कोई भी लिविंग बीइंग है उसके अंदर प्यूरिन नेचुरली अवेलेबल होता है। तो प्यूरिन जब हमारी बॉडी के अंदर जाता है उसको हमारी बॉडी ब्रेक डाउन करती है और हमारे यूरिक एसिड लेवल बढ़ते हैं। अभी आपको कुछ चीज़ों को अवॉइड करना है और कुछ चीज़ों को आपने अपनी डाइट में ऑलरेडी जो आप खा रहे हो खाते रहना है और आप उसकी क्वांटिटी थोड़ी बहुत ऊपर नीचे भी कर सकते हो। अभी सबसे पहला मिथ, क्या हमें प्रोटीन लेना चाहिए? देखो बहुत सारे फूड्स ऐसे हैं जिनके अंदर हाई प्यूरिन लेवल होता है और मोस्टली वो हाई प्रोटीन फूड ही होते हैं। तो होता क्या है, हमें प्यूरिन को रिस्ट्रिक्ट करना था ना कि हमें प्रोटीन को। तो वो मिथ उसके अराउंड में ही आ जाता है कि हाँ यार प्यूरिन छोड़ो, अब किस चीज़ में कितना प्यूरिन है, क्या है, हम कैसे कैलकुलेट करें, तो इससे बेटर है प्रोटीन वाली चीज़ें ही बंद कर दो। अभी गाइस ये तो आपने स्मार्टली अपना दिमाग लगाया, कॉमन सेंस, एक लेमन लैंग्वेज में अगर हम किसी को कहें प्यूरिन, उसे समझ नहीं आएगा तो उसको बोला जाए कि प्रोटीन वाली चीज़ें बंद कर दो तो सोचेगा चलो मेरी किडनी तो सेफ हो गई, अब अपने बॉडी के लेवल्स तो मैं कम कर लूँगा। बट साथ ही साथ आपको प्रोटीन कम करने के सबसे बड़े चैलेंज क्या आएंगे, आपका मसल मास कम होना शुरू हो जाएगा, यू विल स्टार्ट लूजिंग मसल्स, आपकी बॉडी वीक लगने लगेगी और आप पहले से ज़्यादा कमज़ोर लगेंगे। तो उसमें क्या होगा, आपकी बॉडी को प्रोटीन भी तो चाहिए। हमारी बॉडी में सिर्फ मसल बनाना प्रोटीन का काम नहीं है, हमारे सेल्स के स्ट्रक्चर से लेके सेल्स के फंक्शन, मेटाबॉलिज्म, स्किन, हेयर, नेल्स, हर चीज़ में आपकी बॉडी को प्रोटीन चाहिए। तो हम प्रोटीन भी रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते हैं। तो पेशेंट यहाँ पे कंफ्यूज हो जाता है कि करूँ तो क्या करूँ। तो आपको ये चीज़ समझनी है कि आज मैं आपको कुछ ऐसे फूड ग्रुप्स बताऊँगा, उसमें अगर आप वो चीज़ें अवॉइड करें और जो चीज़ें मैं आपको खाने के लिए बोलूँगा वो आप अपनी डाइट में एज इट इज़ रखें, आपकी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट भी पूरी होगी और आपका यूरिक एसिड लेवल भी मैनेज हो सकता है, जो हम अपने पेशेंट्स के साथ करते आए हैं और उनको रिजल्ट्स भी मिलते हैं। तो गाइस देखिए, जो भी प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि सबसे पहले हमें ये समझना है कि हमें प्लांट बेस्ड प्रोटीन के ऊपर ज़्यादा फोकस करना है। क्यों? क्योंकि नेचुरली प्लांट बेस्ड जितने भी प्रोटीन फूड्स हैं उनमें प्यूरिन की मात्रा कम होती है एज़ कम्पेयर टू एनिमल बेस्ड जितने भी हमारे प्रोडक्ट्स हैं। अभी बात करते हैं डेयरी प्रोडक्ट्स। डेयरी प्रोडक्ट्स में आप नॉर्मली दूध, पनीर, वे प्रोटीन ये सब कंज्यूम कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इनके अंदर प्यूरिन की जो मात्रा है वो कम होती है और वो गुड क्वालिटी, हाई क्वालिटी प्रोटीन होता है। बट अगर हम फर्मेंटेड डेयरी प्रोडक्ट्स लेते हैं, जैसे कि दही हो गई, लस्सी हो गई, ये सब चीज़ें,
तो वो आपकी बॉडी में न्यूक्लिक एसिड बढ़ाती है और न्यूक्लिक एसिड फिर हमारे यूरिक एसिड को एलिवेट करने में हेल्प करता है। तो हमें उस चीज़ को अवॉइड करना है। आपके जॉइंट्स में पेन नहीं होगा अगर आप डेयरी प्रोडक्ट्स में से सिर्फ आप फर्मेंटेड चीज़ें हटा दें, जैसे कि लस्सी हो गया, दही हो गया और चीज़ हो गया, जो बहुत लंबे टाइम पुराने टाइम से बने होते हैं वो चीज़ें आपको नहीं लेनी है। आपको अचार हो गए, पिकल्स, आपको बिस्किट, नमकीन, प्रोसेस फूड, ये चीज़ें नहीं खानी है। क्यों? क्योंकि जितना ज़्यादा वो लंबा टाइम प्रोसेस से आएगा और फर्मेंटेड होगा उतनी आपकी बॉडी में प्रॉब्लम क्रिएट होगी। हमें ताज़ी चीज़ें खानी है। आप घर में ताज़ा पनीर निकाल के खा सकते हैं, आप घर में प्रॉपर नॉर्मल दूध पी सकते हैं, लो फैट मिल्क यूज़ कर सकते हैं, आप वे प्रोटीन यूज़ कर सकते हैं, अच्छे ब्रांड का यूज़ करिए। प्लांट बेस्ड प्रोटीन जो मार्केट में आते हैं, जो सोए से बने होते हैं, पी से बने होते हैं, ब्राउन राइस से बने होते हैं, ऐसे प्रोटीन अगर आप लेते हैं हाई क्वालिटी के, वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप उनको चेकआउट कर सकते हैं। तो वो आपके यूरिक एसिड लेवल को नहीं बढ़ाएंगे क्योंकि उनके अंदर प्यूरिन की मात्रा बहुत ही कम होती है। उसके साथ ही साथ आप ड्राई फ्रूट्स, नट्स एंड सीड्स ऐड कर सकते हैं, वो भी प्लांट बेस्ड होते हैं, उनमें भी प्यूरिन की मात्रा कम होती है। आपको कम्प्लीटली अवॉइड करना है नॉन वेज फूड, जैसे कि मीट हो गया, फिश हो गया। क्यों? क्योंकि उनके अंदर न्यूक्लिक एसिड और प्यूरिन की मात्रा बहुत ज़्यादा हाई अमाउंट में होती है, जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम आ सकती है। अब बात करें जो लोग एग खाते हैं, आपको सिर्फ एग का योक अवॉइड करना है। आप एग वाइट खा सकते हैं, उसके अंदर प्यूरिन की मात्रा बहुत ही कम होती है। आप अगर योक कंज्यूम करेंगे तो आपको फिर से चैलेंज आएगा। तो इन सब चीज़ों को अगर आप प्रॉपरली मैनेज करते हैं, थोड़ी थोड़ी चीज़ें, सोया हो गया थोड़ा सा, थोड़ी सी दाल हो गई, पल्सीज आराम से खा सकते हैं, सब्जियां हो गई, ज़्यादा ग्रीन कंसंट्रेटेड चीज़ें नहीं खानी है। अब जैसे पालक बनी है, पालक में क्या होता है, थोड़ी बहुत पालक आप खा सकते हो, बट अगर आप उसकी पालक की बहुत सारी पालक की सब्जी बना के खाओगे तो वो उसकी उतनी कंसंट्रेटेड फॉर्म बन जाती है और वो फिर हमारी बॉडी में ज़्यादा यूरिक एसिड वालों को नुकसान करती है। आप दालें खा सकते हैं, दाल की ज़्यादा तरी खाइए, आप पल्सिस खा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नट्स खा सकते हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स खा सकते हैं, प्रोटीन सप्लीमेंट भी ले सकते हैं। मोटा मोटा तो समझ आ गया होगा कि यूरिक एसिड जब लेवल्स हाई होते हैं तो हमें क्या चीज़ें नहीं खानी है। तो अभी आप क्या चीज़ों से और बचाव रख सकते हैं अपना, जैसे कि एरेटेड ड्रिंक्स होती हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स होती हैं, पैक्ड जूसेस होते हैं, अल्कोहल होती है, तो ये आपके लिए बिल्कुल सख्त मना है। और आप क्या चीज़ें ज़्यादा डाइट में खाएं, ग्रीन टी पीजिए, आप एप्पल साइडर विनेगर ले सकते हैं, आप अश्वगंधा, अजवैन का पानी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। आप कोई भी खाना खाते हैं उसके बाद अजवैन और नमक लीजिए हल्का सा अपने हथेली के ऊपर, और ऊपर से आप एक गिलास या एक दो घुट पानी पीजिए। उससे क्या होगा कि आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन कम से कम होगी। विटामिन सी रिच फ्रूट्स आप ज़रूर ऐड करें, ये आपके बॉडी के प्यूरिन लेवल्स को, यूरिक एसिड लेवल्स को नीचे लेके आता है। और किडनी के कोई भी जब भी सिम्टम्स आते हैं, आपके यूरिक एसिड के सिम्टम्स आते हैं, तो आप वाटर इंटेक अपना ज़्यादा कर दीजिए ताकि आपकी बॉडी से फ्लश आउट हो अच्छे से और किडनी अच्छे से फंक्शन करे। तो आई होप आपको इन्फॉर्मेशन अच्छे से समझ आई होगी और आप पूरा फ़ायदा उठाएंगे और प्रोटीन वाली चीज़ों से डरेंगे नहीं। आप अच्छा क्वालिटी का प्रोटीन खाएंगे, चाहे वो सप्लीमेंट से हो, चाहे वो फूड से हो, तो मेक श्योर आप अपने आप को और भी हेल्दी करें।